तो आपको मिलना तो दूर की बात है। तो सबसे पहले हमें इसकी कटिंग करनी है। हम इसको लोहे की पत्ती से कटिंग कर देंगे और इसके ऊपर नीला बल्ब जला देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। फिर इससे अगला एरिया है स्वास्थ्य का एरिया। स्वास्थ्य एरिया में आप चेक कर रहे हैं तो इसमें भी टॉयलेट है, टॉयलेट आ रहा है। तो टॉयलेट अगर इसके अंदर आ रहा है तो समझ लीजिए कुछ समय अगर ज़्यादा इसमें रह जो भी रहने वाले लोग होंगे अगर ज़्यादा समय से रह रहे हैं तो कोई ना कोई वहाँ क्रिटिकल डिसीज़ लाइलाज बीमारी भी पाई जा सकती है। जहाँ तक देखा गया है ज़्यादातर वह प्रॉब्लम महसूस हुई हैं लोगों को। तो हमने इसे बैलेंस किया है, इसकी बैलेंसिंग कर दी और इस पर नीला बल्ब जला दिया तो इससे कम से कम कुछ राहत मिलेगी। और कोशिश करें कि सफाई ज़्यादा रहे क्योंकि पैसा बनाने की फैक्ट्री, स्वास्थ्य दोनों ही डिस्पोज हो रहे हैं। तीसरा एरिया है क्लैरिटी। ये बहुत अच्छा एरिया है तो मंदिर का एरिया, पूजा का स्थान, ये ध्यान का स्थान है, देवताओं का स्थान भी कहलाता है। तो आप यहाँ में कोई एंटी एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है और हम यह कोशिश भी कर सकते हैं कि यहाँ कुछ पूजा वगैरह आ जाए। इससे अगला एरिया है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, रिक्रिएशन और फन, मज़े का एरिया, ताजगी का एरिया। तो यह बेड है, हमें कोई एंटी एक्टिविटी एंटी एलिमेंट नहीं दिख रहा है तो जो यहाँ रहेगा वो मज़े में रहेगा, दीन दुनिया से बेखबर। फिर इससे अगला एरिया है ईस्ट सोशल एंड एसोसिएशन, अच्छा एरिया है, जो भी यहाँ सोएगा उसका सोशल बढ़ेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम हमें दिख रही है, आधा बेड ईस्ट साउथ ईस्ट चर्निंग में आ गया है एग्जाइटी में। तो उसका अगर सिर एग्जाइटी में होगा तो वो बाल की खाल निकालने वाली स्थिति में होगा बंदा, तो हमें क्या करना होगा, इस एरिया से उसका बेड हटाना है। बेड उठा के इधर ले आओगे तो ये एरिया सही दिशा में पहुंच जाएगा। जो इनकी प्रॉब्लम थी दूसरी भी हमने उसको हल कर ली। यह है मनी देने वाला, पैसा कैश फ्लो का एरिया, बनाने का काम इसका, देने का काम इसका है। इसमें हमें कोई एंटी एक्टिविटी नहीं दिख रही है लेकिन एरिया कम दिख रहा है, ये एरिया थोड़ा सा कम है। हमें इस एरिया को बढ़ाना है क्योंकि हमें पैसा भी चाहिए। तो हमेशा एक लाल बल्ब भी आप यहाँ लगाएंगे, जो यहाँ एरिया कम हो रहा है वो यहाँ बढ़ जाएगा। और फिर इसके बाद आप देखते हैं पावर एंड कॉन्फिडेंस, इनके यहाँ कम है तो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं इनका लूज़ हो रहा है, हम इसे भी बढ़ाना है। फिर एक ये एरिया है साउथ में टॉयलेट, जो इनका फेम है और आराम है वो सब डिस्पोज हो रहा है। नॉर्थ पैसा नहीं बना रहा, साउथ फेम वाला एरिया डिस्पोज हो रहा है, तो दोनों अच्छे नहीं हैं। तो आप यहाँ पे ये एरिया कम भी है तो स्टील की पत्ती से आप इसकी यहाँ कटिंग कर देंगे तो ये एरिया, और इसके ऊपर एक लाल बल्ब लगा देंगे तो ये मजबूत स्थिति में आ जाएगा। और एक यहाँ पे हमें तीनों को एरिया बढ़ाने हैं तो इन तीनों एरिया बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 फुट का एक शीशा लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का एक शीशा लगाएंगे 2 फुट का, हरे फ्रेम में, ग्रीन फ्रेम में आप शीशा लगा देंगे तो इतना एरिया बढ़ जाएगा। फिर आप देखते हैं इसमें एक दूसरी टॉयलेट भी आ गई साउथ में, साउथ में दूसरी टॉयलेट भी आ गई। तो अब हमें ये लगने लगा है कि हमें यहाँ इसे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है कुछ, क्योंकि कुछ एरिया इसे यहाँ भी मिल गया। तो हमें सिर्फ 2 ही दिशा बढ़ानी है, इन दोनों में लगाना है मिरर ग्रीन फ्रेम में, इसमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, एक टॉयलेट यहाँ आ गई, एक टॉयलेट यहाँ आ गई, तो दो दो टॉयलेट हैं। इसकी तो पीतल की पत्ती से कटिंग कर देंगे और एक यहाँ पे लाल बल्ब जला देंगे तो ये बेहतर काम करेगा। लाल बल्ब कोशिश करें इस साइड जलाएं, फोकस वाला इस साइड, ये एरिया ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो ये साउथ साउथ वेस्ट डिस्पोजल है, अगर ये एरिया बहुत ज़्यादा है तो अनबैलेंस है तो बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ा देगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि ये आपको
डिस्पोज की ताकत बहुत ज़्यादा हो गई है इसके अंदर। लेकिन जो यहाँ बेड पर सो रहा है वह भी बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो डिस्पोजल में सो रहा है। इधर सोने वाला तो हमेशा ज़्यादातर बीमार वाली स्थिति या प्रॉब्लम चिड़चिड़ापन वो रहेगा। अगर ऐसा है तो हम बेड को क्या करेंगे, कम से कम सिर उसका इस साइड कर देंगे, सिर तो बचे तो हम साउथ में उसका सिर कर देंगे और इसको हम इस साइड पैर आ जाएंगे। और यहाँ से जो कीमती सामान है वो यहाँ ना रख कर कुछ और व्यवस्था देखें, इतनी एक छोटी सी अलमारी यहाँ बनाएं, कीमती सामान यहाँ रखें यहाँ का। तो हमने इसे भी एक हल किया, लेकिन ये एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो हम इसमें वाइट कलर यूज़ करेंगे, सफ़ेद कलर, तो ये एरिया थोड़ा सा सिमट जाएगा। फिर ये साउथ वेस्ट रिलेशनशिप और स्किल का एरिया, ये अच्छा है लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो इसको में भी हम थोड़ा सा वाइट कलर यूज़ कर लेंगे या खाली येल्लो कलर यूज़ करेंगे। यहाँ से ब्लू कलर वगैरह हटाकर हम ये येल्लो कलर यूज़ करेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर यहाँ के रिजल्ट ले पाएंगे। और इस घर की जो थोड़ी थोड़ी समस्याएं थी वो हमने बहुत आसानी के साथ हल कर ली, और अब उम्मीद करते हैं कि इस घर में अब रहने वाले सही लाभ ले पाएंगे और अपने मनचाही इच्छा पूरी कर पाएंगे। फिर इसमें जो एरिया कम ज़्यादा हुए हैं उन्हें रेमेडी से भी पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर एक आप कुछ रेमेडी भी लगा सकते हैं, तो ये छोटी रेमेडी आप लगाने के बाद आप इसका लाभ उठा सकते हैं। रेमेडी का पार्ट भी आगे आएगा, वो आप उसमें से कुछ रेमेडी यूज़ कर लेंगे तो अच्छा रिजल्ट लेंगे।